फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाते हैं। इस समय बज रहा है रात के 11:30। तो चलिए देखते हैं अंजलि क्या कर रही हैं, अंजलि इस समय क्या पढ़ रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अंजलि यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। तो अंजलि, अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी हिंदी पढ़ रही हूँ, क्लास 12 की। ऐसा लग रहा है आपको नींद आ रहा है क्या? नहीं, लग तो ऐसा ही रहा है। नींद नहीं आ रहा है, वो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि अंजलि को नींद आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। नहीं, नींद नहीं आ रही। तो इस समय आप हिंदी पढ़ रही हैं? हाँ। हिंदी में क्या पढ़ रही हैं? इस समय मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप किसका निबंध है? ये निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और वो इसमें मतलब इस निबंध में वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, मतलब एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, क्या किन किन चीज़ों से मिलकर। अच्छा, हिंदी की बुक आप पढ़ती हैं, इससे आपको क्या क्या नॉलेज मिलता है? हिंदी की बुक पढ़ने से नॉलेज तो सबसे पहले कि जैसे कि आप उसमें पढ़ते हो जीवन परिचय, और जीवन परिचय पढ़ने से एक मोटिवेशन मिलता है, कैसे कि ऐसा होता है ना कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित हुई और कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और कैसे कैसे क्या किया और किस कंडीशन में वो रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई की, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के एक मोटिवेट मिलता है। तो हिंदी हमें लगता है पढ़ना चाहिए सब। जैसा कि कहा जाता है कि UPSC में हिंदी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उसके शब्द उच्चारण के। हिंदी पढ़ने से देखो क्या होता है, आपकी जो पढ़ने की गलतियाँ होती हैं वो सुधर जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, और आपका हिंदी पढ़ने से आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है क्योंकि आप देखते रहते हो, तो इससे प्रभाव पड़ता है ना कि राइटिंग कैसे बैठाऊँ अपना। तो जैसे UPSC के एग्जाम में, हिंदी से क्वेश्चन जैसे कि अलंकार के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जो निबंध होता है, जो दो निबंध लिखना होता है हिंदी का, तो उसमें हिंदी के जैसे नए शब्द डाल दो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखो, निबंध में जैसे कि आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के कुछ खास बातें हो जो महान लोग हैं वो चीज़ें, कुछ जैसे कि मुहावरे हो गया, नए नए वर्ड यानी कि शब्द हो गए अच्छे अच्छे, तो ऐसे चीज़ अगर आप इस चीज़ों का इस्तेमाल निबंध में करते हो ना, तो इससे आपका निबंध बहुत आकर्षक बन जाता है और आपको उससे भी अच्छा मतलब नंबर की प्राप्ति होती है, तो अच्छा रहता है। तो आप अपनी तैयारी कर रही हैं? हाँ, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय रात को 11 बज रहे हैं, 11:30, और अंजलि पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए, हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब हम भी पढ़ाई कर लेते हैं। हम भी यहाँ भी पढ़ाई ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा वार्तालाप करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।